हरे कृष्ण। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्या? ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। ये रहेगा पाल नंबर वन और ये रहेगा पाल नंबर टू। पांच पांच कार्ड लेंगे। एक लव मैसेज देख लेते हैं। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर वन की। जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया, देखते हैं पाल नंबर टू के कार्ड्स क्या आते हैं। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर टू के, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज किया है। तो ये है पाल नंबर टू और ये है पाल नंबर वन। रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाल नंबर वन से। कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन क्या? पहला ही कार्ड आया है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का है। तो शायद ये पर्सन काफी वक्त से इंतजार कर रहा है सही वक्त के आने का। यानी कि इनके मुताबिक, जैसे आप देख सकते हैं, ये सुई के पास ही यहाँ पे हार्ट का साइन है। तो अपने दिल की कुछ बातें हैं जो शायद एंगेजमेंट से भी जुड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रिंग भी है। हो सकता है पैसों से भी जुड़ी हो सकती है, मतलब उनका शायद कोई प्रॉब्लम भी था पैसों की वजह से। शायद वो एंगेजमेंट की बात आपसे कर नहीं पा रहे थे, और कहीं ना कहीं उनके दिल की जो बातें हैं कि वो आपसे एंगेजमेंट वगैरह करना चाहते हैं, ये तक उन्होंने होल्ड पे रखा था क्योंकि वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। तो शायद ये बात हो सकती है कि ये बात वो करना चाहते हैं। नेक्स्ट है डेथ कार्ड। तो ये एंडिंग का भी कार्ड होता है और न्यू बिगिनिंग का भी। जैसे यहाँ पे एक छोटी सी डोरी है जो ऑलमोस्ट टूटने ही वाली है, तो ऐसे ही शायद वो किसी मुश्किल में फंसे हुए थे। और ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो हो सकता है अपनी मुश्किल हालात के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, यानी कि कितना मुश्किल वक्त उन्होंने फेस किया है, या हो सकता है अभी भी, राइट नाउ भी
में भी चांसेस है कि वो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है उस बात को लेके भी कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, और उसी वजह से शायद उन्हें लगता है कि अगर वो बात आपसे कह देंगे तो क्या पता आप उनके साथ ये जो रिश्ता है वो एंडिंग की कगार पे ले जाएंगे, या फिर यहाँ से आप दोनों एक न्यू बिगनिंग करेंगे। सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। पैशन तो है इस पर्सन के दिल में आपके लिए, लेकिन शायद चारों तरफ से ये बहुत मुश्किल हालातों से घिरे हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कलर है रेड कलर, वो रिप्रेजेंट करता है उनके फीलिंग्स को, पैशन को, लेकिन ये जो ऑलमोस्ट सभी तरफ से ये जो हाथ दिख रहे हैं वो यही बताते हैं कि ये पर्सन किसी न किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और काफी मुश्किल हालात ये फेस कर रही है। कैट भी जो है वो काफी डरी हुई है, तो ऐसे ही उन हालात का सामना करते हुए ये पर्सन शायद काफी ज्यादा डर चुके हैं अपनी जिंदगी को फेस करते हुए, और उन्हें यही डर लग रहा है कि जब वो आपको ये सब बता देंगे तो क्या पता आपका रिएक्शन क्या होगा। तो हो सकता है आपसे वो सब बातें शेयर करके अपने डर को थोड़ा सा दूर भगाना चाहते हैं। नेक्स्ट है द स्टार। तो आपको एक विश की तरह मानते हैं, यानी कि उन्हें अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो वो है आपका साथ। जैसे यूनिवर्स की तरफ से इस हाथ से ये लेडी कुछ ले रही है और दूसरे हाथ से ये पानी की तरफ जा रहा है, वैसे ही शायद ऊपर वाले से वो आपको मांगते रहते हैं, और मे बी इसी वजह से आपसे मिलके अपने दिल की हालत बयां करना चाहते हैं, इसलिए शायद आपसे वो बात करने के बारे में सोच रहे हैं। द मैजिशियन। मैजिशियन का कार्ड आया है, मतलब ये पर्सन सोच रहे हैं कि कौन सा सही ऑप्शन रहेगा उनके सामने, यानी कि कम्युनिकेशन करे, बात को क्लियरली आपसे डिस्कस करे, या उनके दिल में जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करें, या पैशन के बारे में बोले, या फिर पेंटेकल्स को लेके यानी कि फैमिली को, या फिर उनके करियर को लेके अगर कुछ प्रॉब्लम हुए थे उन हालातों के बारे में आपसे डिस्कशन किया जाए। तो ये सोचा जा रहा है अभी भी कि कौन सी बात से शुरुआत करनी चाहिए और आपसे एग्जैक्टली क्या कहना चाहिए। फंक्शन। चांसेस है रिसेंटली इस पर्सन ने किसी फंक्शन को अटेंड किया है, और उस फंक्शन के दौरान हो सकता है उन्होंने आपको काफी ज्यादा मिस किया, मतलब किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर किसी की बर्थडे पार्टी वगैरह भी हो सकती है, या फिर किसी का शादी वगैरह भी कुछ हो सकता है, वहां पे भी उन्होंने आपको शायद बहुत ज्यादा मिस किया है। उन पलों में मे भी उस बात को लेके कुछ कहना चाहते हैं। ब्रेक रूल्स। जैसे सभी रिलेशनशिप में कुछ रूल्स सेट हुए होते हैं, कभी कभी हम खुद भी कुछ रूल्स सेट करते हैं, वैसे ही शायद इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं, यानी कि हो सकता है कि अपने घर वालों की मर्जी के मुताबिक शायद वो कुछ जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर घर के कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिनको फॉलो करने के लिए हमें शादी के वक्त सोचना पड़ता है। मे बी उन रूल्स के बारे में शायद ये ब्रेक करने के बारे में सोच रहे हैं, और मे बी उसी बात को लेके आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहते होंगे। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तो अगर आपसे ये बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से सभी तरफ से हालातों से मुश्किल हालात से घिर चुके हैं, इस वजह से शायद इन्हें कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, और शायद यही बात वो अपना आपसे करना चाहते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, एग्जैक्टली हालात क्या थे। ब्रेकअप। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये डर बहुत सता रहा है कि कहीं आप उनके साथ ब्रेकअप करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं, मतलब वो क्लियर चाहते हैं कि जैसे वो आपको एक विश की तरह मानते हैं, जैसे इस कार्ड में भी हमने देखा, वैसे ही क्या आपके भी दिल की विश वही है, या आप जिंदगी में उनके बिना मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, ये जानने के बारे में भी शायद वो डिस्कशन करना चाहते हैं। रीयूनाइट। रीयूनाइट का कार्ड आया है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, और अपने दिल के जज्बात आपके सामने क्लियर करना चाहते हैं। कभी कभी हो जाता है कि लाइफ में सामने आने वाले हालात को फेस करने की वजह से हम अपने इमोशंस साइड में रख देते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारी थोड़ी पर्सनल लाइफ साइड में रखनी पड़ती है, और ऐसे हालत में सामने वाले पर्सन को ऐसा लग सकता है कि जानबूझ के कोई हमें इग्नोर कर रहा है, या फिर अनदेखा कर रहा है, नखरे दिखा रहा है, लेकिन असलियत कभी कभार थोड़ी अलग होती है। तो ऐसा ही शायद इस पर्सन के साथ हुआ है, मे बी हालात की वजह से ये पर्सन आपके साथ इतने दिनों तक मिल नहीं पाए, हो सकता है बातचीत भी ठीक से नहीं कर पाए, लेकिन अब ये चाहते हैं कि आपसे रियोनाइट हो, और इसी वजह को लेके शायद आपसे कुछ डिस्कशन करने के बारे में सोच रहे हैं। देखते उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टूगेदर।
दिस पर्सन को, ये दिल को, इस पर्सन के दिल को पूरा यकीन है कि आप दोनों अगर साथ हैं तो बस वही काफी है। आप कोई भी हालात फेस कर लेंगे और बातें ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएंगी, बस आप दोनों का साथ होना जरूरी है। तो इस हद तक अगर ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन्हें आपसे क्या डिस्कशन करना होगा। और इन सब कार्ड से थोड़ा बहुत अगर एक आध कार्ड भी आपसे मैच हो रहा है तो भी ये पर्सन काफी वक्त से आपसे अपने दिल के जज्बात शेयर करने के लिए काफी वेट कर रहा है। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। फाइव ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है इस पर्सन ने अपनी जिंदगी में काफी सारे रास्ते खोजने की कोशिश की कि जिस वजह से वो आप तक रीच आउट हो जाए, लेकिन इस पर्सन को सही रास्ता नहीं मिल पाया क्योंकि हालात उनके सामने शायद बहुत मुश्किल थे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए चारों तरफ से अगर बर्फ गिर रही है, तेज हवा चल रही है, तो धुंधला धुंधला सब दिखाई देगा। आगे कोई घर अगर है भी और वहाँ अंधेरा है तो भी ये घर दिखाई नहीं देगा। और ये पर्सन जैसे यहाँ पे ये लालटेन लेके हाथ में ढूंढ रहा है कि सही रास्ता कौन सा है, वैसे ही शायद अब तक आपके पर्सन सही रास्ता ढूंढ रहे थे आप तक आसानी से रीच आउट होने का, आप तक पहुंचने का, लेकिन शायद उन्हें अब तक ये मिल नहीं रहा था। लेकिन वो कोशिश जरूर कर रहे थे और उनके लिए ये कोशिश बिल्कुल भी आसान नहीं थी। तो मे बी वो सब ये बातें आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। द लवर्स, जैसे यहाँ पे ये दोनों कपल एक दूसरे का हाथ हाथ में लेके खड़े हैं, वैसे ही आपके पर्सन को शायद आपका हाथ अपने हाथ में जिंदगी भर के लिए चाहिए और उसी साथ के बारे में ये काफी ज्यादा सोचते रहते हैं। मे बी उस बात को लेके कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। फाइव ऑफ फ्रेंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ हुआ था, जैसे कुछ फ्रेंड्स वगैरह की भी शेयरिंग होती है, उनके कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और कभी कभार अपने फ्रेंड्स की कुछ बातें सुनने की वजह से भी हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो मे बी ऐसा ही कुछ हुआ है इस पर्सन के साथ। मे बी अपने फ्रेंड्स की बातों में आके इस पर्सन ने शायद कोई मुसीबत मोल ली थी जिसको सॉर्ट आउट करने में इन्हें काफ़ी वक्त लगा और मे बी उसी वजह से इन्हें सही रास्ता नहीं मिल रहा था आप तक रीच आउट होने के बारे में। तो शायद उस बात को लेके भी आपसे कुछ जिक्र करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बीच के दौरान यानी कि अब तक अगर ये पर्सन आपके कांटेक्ट में नहीं है तो ये पर्सन चांसेस है कि किसी की हेल्प कर रहे थे सच्चे दिल से, किसी को हो सकता है कोई मुसीबत में फंसा था, उसको भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे ही शायद किसी फेज में वो फंसे हुए थे जिस वजह से वो आपसे शायद क्लियर बातें नहीं कर पाए और वही हो रीजन हो सकता है कि अब वो वक्त मिलते ही आपको ये सब क्लियर करने के बारे में सोच रहे हैं। फोर ऑफ बैड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे गेट टुगेदर जैसा कुछ लग रहा है, एक सेलिब्रेशन हो रहा है, जश्न का माहौल है, वैसे ही शायद ये पर्सन आपके साथ हो सकता है कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है। यानी कि अगर इसने जिंदगी में किसी की हेल्प की है तो वो खुशी हो सकता है आपके साथ शेयर करनी है। अगर किसी को मुसीबत से बाहर निकाला है तो हो सकता है उसको सेलिब्रेट करना है। यानी कि कुछ अच्छा किया है इस पर्सन ने जिंदगी में और उस बात को लेके ही आपको डिस्कस करना चाहते हैं, उस बात को लेके कि उन्होंने क्या एग्जैक्टली फील किया। शॉकिंग, शायद ये जो कहने वाले हैं वो आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है। मे बी इसलिए भी थोड़ा सा ये डर रहे हैं कि कहीं उस बात का अलग ही रिएक्शन उन्हें ना मिले। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, तो अब तक शायद इस पर्सन ने कुछ थोड़े ऐसे हालात फेस किए जो इनके लिए शायद कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ही थे और उस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ये आपको इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे, उसकी क्या वजह थी ये भी शायद वो आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। थिंकिंग प्रोसेस, भले ही आपके नो कांटेक्ट में थे या फिर आपको बता नहीं रहे थे, लेकिन ये काफी ज्यादा आपके बारे में सोचते थे और अभी भी सोच रहे हैं। मे बी इस बात को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं। मिसिंग, इस पर्सन ने इन सब हालातों को फेस करते हुए आपको काफी ज्यादा मिस किया है और इसी मिसिंग की एनर्जी की वजह से वो सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या क्या एग्जैक्टली आपसे कहना है। ये सब बातें तो है ही, लेकिन हाउ मच आई मिस यू ये भी उन्हें आपको बताना है, वो भी अपनी जुबान से, अपने अंदाज में। फ्रेंड्स,
ऑलरेडी हमने देखा कि शायद इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, मे बी किसी फ्रेंड की हेल्प कर रहे थे, उस फ्रेंड की हेल्प करते हुए शायद इन्हें काफी वक्त लगा, मे बी हो सकता है ये खुद भी थोड़े से मुश्किल दौर से गुजरे उसी फ्रेंड की वजह से, तो ऐसा भी सब हुआ है, मे बी वो डिटेल्स भी आपको देना चाहते हैं। देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेज क्या है। आई लव यू बिकॉज आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। तो जैसे ही इनके दिन की शुरुआत होती है, इनका दिल जो है वो आपके बारे में सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। अब ये सब उन्हें आपको बताना है और वो बताने का उनका अंदाज मुझसे तो काफी ज्यादा डिफरेंट है, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा उनके मैसेज का। होपफुली जल्द ही आपको उनकी जुबान से ये सब बातें सुनने मिल जाए जो वो आपसे इन रियल करना चाहते हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।